मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। कुर्राए अर्ज पर अगर कोई शहर अपने तकद्दस फकीदुल मिसाल मुकद्दस मकामात की बदौलत आला मुकाम रखता है तो वो है सऊदी अरब का शहर मक्का मुकर्मा। मक्का मुकर्मा अपनी तहारत की वजह से बनी आदम का वो रूहानी मरकज है जिसकी बराबरी कोई दूसरी जगह नहीं कर सकती। ये शहर इस्लाम का मुकद्दस तरीन शहर है क्योंकि रोया जमीन पर मुकद्दस तरीन मुकाम बैतुल्लाह यही मौजूद है, मस्जिदुल हराम। बैतुल्लाह शरीफ मस्जिदुल हराम में ही वाकया है। मस्जिदुल हराम एक वसी अहाता है जिसमें चारों तरफ से वसी दलान है जो खूबसूरत और मजबूत सतूनों पर कायम है। दलान के बाद हर तरफ से खुला एक वसी सेहन है। इसके बाद तवाफ करने की जगह है जिसके दरमियान खाना काबा की मुतबरिक अमारत मौजूद है। दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 मरतबा मस्जिदुल हराम में कायम खाना काबा की जानिब रुख करके नमाज अदा करते हैं, जबकि ये दुनिया का वाहिद मुकाम है जिसका हज किया जाता है। ये जमीन पर कायम होने वाली पहली मस्जिद है। मुताफ खाना काबा के इर्द गिर्द का जो हिस्सा है इसे मुताफ कहा जाता है, जहां अल्लाह ताला का जलाल महसूस तो होता है मगर संगे मरमर सूरज की तपिश से गर्म नहीं होता। बाबुल इस्लाम नाजरीन बाबुल इस्लाम इस दरवाजे को कहते हैं जहां से अहदे नबवी में लोग मस्जिदुल हराम में दाखिल होते थे। अब बाबुल इस्लाम किसी दरवाजे की सूरत में है, अलबत्ता इस जगह पर संगे मरमर की काली लकीरें खींच दी गई हैं। उम्रा के तवाफ के लिए इसी जगह से मुताफ में दाखिल होना अफसल है। मौजूदा वक्त में बाबुल इस्लाम के नाम से जो दरवाजा है वो कदीम बाबुल इस्लाम के मुकाबिल है। मुकामी इब्राहिम दरवाजा काबा के सामने एक पत्थर रखा हुआ है, इसे मुकामी इब्राहिम कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी पत्थर पर खड़े होकर खाना काबा की तामीर की। जब दीवारें ऊंची होने लगी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा ताला के हुक्म से ये पत्थर जन्नत से लाए। जैसे जैसे ये दीवारें ऊंची होती जाती ये पत्थर भी ऊंचा होता जाता। इसी तरह पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान पैदा हो गए जो अब तक मौजूद हैं। कुरान मजीद में मुकाम इब्राहिमी का नाम 2 दफा आया है। जमजम का कुआं मुकाम इब्राहिम से मुत्तसिल जमजम का कुआं भी वाकया है। मुकाम इब्राहिमी की तरह जमजम भी मुताफ में वाकया है। हजूम की वजह से चंद साल कबल इसे निचले हिस्से में ले जाया गया। इलेक्ट्रिक के जरिए इसका पानी खींच कर बाहर मौजूद नलकों में पहुंचाया जाता है जिससे जमजम का हसूल आसान हो गया है। अहदीस में जमजम की बड़ी फजीलत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम का पानी जिस मकसद के हसूल के लिए पिया जाए वही फायदा हासिल होता है। मस्जिद नबवी एक ऐसा मुकाम जहां पहुंचते ही मुसलमानों की निगाहें अकीदत से झुक जाती हैं और सर सजदे में चला जाता है, जबकि वहां से वापसी का दिल भी नहीं चाहता। उसे दुनिया मस्जिद नबवी के नाम से जानती है। मस्जिद नबवी सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में कायम इस्लाम का दूसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है और उम्रा और हज के लिए जाने वाले मुसलमान मस्जिद नबवी की ज़ियारत को जरूर जाते हैं। लेकिन इस मस्जिद की आज जो शक्ल सूरत हमें नजर आती है वो इब्तदा से ऐसी नहीं थी। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हिजरी में मस्जिद कुबा की तामीर के बाद सहाबा कराम के साथ मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। उस वक्त मस्जिद नबवी 105 फीट लंबी और 90 फीट चौड़ी थी।
हिजरत के सातवें साल फतह खैबर के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तौसीह फरमाई। इस तौसीह के बाद मस्जिद नबवी की लंबाई और चौड़ाई 150 फीट हो गई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के अहद खिलाफत में मुसलमानों की तादाद में जब गैर मामूली इजाफा हुआ और मस्जिद नाकाफी साबित हुई तो 17 हिजरी में मस्जिद नबवी की तौसीह की गई। 29 हिजरी में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा के जमाने में मस्जिद नबवी की तौसीह की गई। अम्मी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने 88 हिजरी ता 91 हिजरी में मस्जिद नबवी की गैर मामूली तौसीह की। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हा इस वक्त मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे। अम्बी और अब्बासी दौर मस्जिद नबवी की मुतअद्दिद तौसीयात हुई। तुर्कों ने मस्जिद नबवी की नए सिरे से तामीर की। इसमें सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल किया गया। मजबूती और खूबसूरती के एतबार से तुर्कों की अकीदत मंदी नाकाबिले फरामोश यादगार आज भी बरकरार है। हज और उम्रा करने वालों और जायरीन की कसरत की वजह से जब ये तौसीयात भी नाकाफी रहीं तो मौजूदा सऊदी हुकूमत ने कुर्बो जवार की इमारतों को खरीद कर और उन्हें मुनहदिम करके अजीमुल शान तौसीह की, जो अब तक की सबसे बड़ी तौसीह मानी जाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन मसाजिद के अलावा किसी दूसरी मस्जिद का सफर इख्तियार ना किया जाए। मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी इस मस्जिद में नमाज का सवाब दीगर मसाजिद के मुकाबले में हजार गुना ज्यादा है सिवाय मस्जिद हराम के। दूसरी रवायत में 50,000 नमाजों के सवाब का जिक्र है। जिस खलूस के साथ वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी उसी के मुताबिक अज्र व सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। हुजरा मुबारका। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी 10-11 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे। 8 हिजरी में फतेह मक्का मुकर्रमा के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुबारक शहर को अपना मस्कन बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुजरा में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इसी हुजरा में मदफून हैं। इसी हुजराए मुबारका के पास खड़े होकर सलाम पढ़ा जाता है। हुजरा मुबारका के कुबला रुख तीन जालियां हैं, जिसमें दूसरी जाली में तीन सुराख हैं। पहले और बड़े गुलाई वाले सुराख के सामने आने का मतलब है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजाए मुबारक के सामने खड़े होना। दूसरे सुराख के सामने आने का मतलब है हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र सामने है। और तीसरे सुराख के सामने आने का मतलब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र सामने है। रियाजुल जन्नता। कदीम मस्जिद नबवी में मिंबर और रोजाए अकदस के दरमियान जो जगह है वो रियाजुल जन्नता कहलाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, मिंबर और रोजाए अकदस के दरमियान की जगह जन्नत की कयारियों में से एक कयारी है। रियाजुल जन्नता की शनाख्त के लिए यहाँ सफेद संगमरमर के सतून है। इन सतूनों को इस्तवाना कहते हैं। इन सतूनों पर उनके नाम भी लिखे हुए हैं। रियाजुल जन्नता के पूरे हिस्से में जहां सफेद और हरी कालीनों का फर्श है, नमाजें अदा करना ज्यादा सवाब का बाइस है। नेस कबूलियत दुआ के लिए भी खास मुकाम है। असहाबे सिफा का चबूतरा।
मस्जिद नबवी में हुजराए शरीफा के पीछे एक चबूतरा बना हुआ है। ये वो जगह है जहां वो मस्कीनों गरीब सहाफा ग्राम कयाम फरमाते थे, जिनका ना घर था ना दर, और जो दिनों रात जिक्र तलावत करते और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से मुस्तफीज होते थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा इसी दरगाह के मुमताज शागिर्दों में से हैं। अस्हाबे सफा की तादाद कम और ज्यादा होती रहती थी, कभी कभी इनकी तादाद 80 तक पहुंच जाती। जन्नतुल बका, ये मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है जो मस्जिद नबवी से बहुत थोड़े फासले पर वाकिया है। इसमें बेशुमार सहाबा और औलिया कराम मदफून हैं। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों साहबजादियां, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात, आपके चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इसी कब्रिस्तान में मदफून हैं। जबले ओहद, मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर के फासले पर ये मुकद्दस पहाड़ वाक़िया है, जिसके मुतल्लिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है और हम ओहद से मोहब्बत रखते हैं। इसी पहाड़ के दामन में 3 हिजरी में जंगे ओहद हुई, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त जख्मी हुए और तकरीबन 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे। ये सब शहदा इसी जगह मदफून हैं, जिसका अहाता कर दिया गया। इसी अहाते के बीच में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा मदफून हैं। आपकी कब्र के बराबर हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदफून हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास एहतमाम से यहाँ तशरीफ लाते थे और शोहदा को सलाम और दुआ से नवाजते थे। मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। मुसलमानों की ये सबसे पहली मस्जिद है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो कबीला बिन औफ के पास कयाम फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ खुद अपने दस्त मुबारक से इस मस्जिद की बुनियाद रखी। इस मस्जिद के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद इखलास व तकवा पर रखी गयी, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा के बाद मस्जिद कुबा दुनिया भर की तमाम मसाजिद में से सबसे अफसल है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सवार होकर तो कभी पैदल चलकर मस्जिद कुबा तशरीफ लाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने घर से निकले और इस मस्जिद यानी मस्जिद कुबा में आकर 2 रकात नमाज पढ़े तो उसे उम्रा के बराबर सवाब मिलेगा। मस्जिद फतेह, गजवाए खंदक में जब तमाम कुफार मदीना मुनव्वरा पर मुजतमा होकर चढ़ आए थे और खंदकें खोदी गई थीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह दुआ फरमाई थी, चुनाचे आपकी दुआ कबूल हुई और मुसलमानों को फतह हुई। इस मस्जिद के करीब कई छोटी छोटी मस्जिदें बनी हुई थीं, जो मस्जिद सलमान फारसी, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद उमर और मस्जिद अली के नाम से मशहूर हैं। दरअसल गज़वाए खंदक के मौका पर ये उन हजरात के पड़ाव थे जिनको महफूज और मुतय्यन करने के लिए गालिबन सबसे पहले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मसाजिद की शक्ल दी थी। ये मुकाम मसाजिद खमसा के नाम से मशहूर हैं। अब सऊदी हुकूमत ने इस जगह पर एक बड़ी आलीशान मस्जिद मस्जिद खंदक के नाम से तामीर की है। मस्जिद किबलातैन, तहवील किबला का हुक्म असर की नमाज में हुआ। एक सहाबी ने असर की नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी, फिर अंसार की जमात पर उनका गुजर हुआ।
वो अनसार सहाबा में बैतुल मुकद्दस की जानिब नमाज अदा कर रहे थे। उन सहाबी ने अनसार सहाबा को खबर दी कि अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह को दोबारा किबला बना दिया है। इस खबर को सुनते ही सहाबा ग्राम ने नमाज की ही हालत में खाना काबा की तरफ रुख किया, क्योंकि इस मस्जिद में एक नमाज दो किबलों की तरफ अदा की गई, इसलिए इसे मस्जिद किबलातीन कहते हैं। बास रवायात में है कि तहवील किबला की आयत इसी मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त नाजिल हुई थी। नाजरीन, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो से आपके मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।